आप सभी का वेलकम है डीके वंदना के ब्लॉग्स पे। आज है क्रिसमस डे, इनकी तो छुट्टी चल रही है। सोनाक्षी जायसवाल का स्कूल जा रहा है और ऋषभ जायसवाल देखो स्कूल से आ गए, हीरो बन के गए थे आज, जैकेट वगैरह पहन के। खा लो, हम नहीं खाएंगे। दे दो सोनाक्षी, दे दो। हम नहीं जानते, मुझे आज पेस्ट्री चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए। ऋषभ को यहाँ पेस्ट्री, समोसा, चॉकलेट मिला था। और क्या क्या किए थे स्कूल में? डांस किए थे। ओहो, किस गाने पे? कैसे किए थे तनी दिखा दो। दिखाओगे? उसमें करा था गब्बर भी नाचेगा। थोड़ा डांस दिखाओ पहले। अच्छा ये तो बता दो कौन से गाने पे किए थे? नाम नहीं पता। अंग्रेजी गाना था क्या? कैसा बज रहा था? वेस्टर्न कहते हैं। रास्ते में उसको बताया था, हमें खुद याद नहीं है गाना। सब बच्चे साथ में कर रहे थे, अकेले कर रहे थे? सब। कैसे कर रहे थे? थोड़ा दिखा दो। दिखाओगे? उछल उछल के कर रहा था। अरे बता दो भाई, अब उछल उछल के, उछल उछल के करता है। गिराओ सब यही कचरा, जाओ डस्टबिन में डालो। सब कह रहे आज मेरे लिए पेस्ट्री लेके आना, बन्ना जी यहाँ अपना मोबाइल में लगी है। गैस बंद की हो नीचे से? कैसा महक रहा है गैस, पता नहीं महक रहा है। ये चेक करना पड़ेगा। A few moments later, हम घर पर पहुंचे हैं तो यहाँ सब लोग फोन पे लगे हुए हैं। सोनाक्षी अलग है, फोन पे ऋषभ ये लगी है। सोनाक्षी तो फोन अभी के लिए, जब लेकर आए हो तो लगी कहाँ है फोन में? वो फोन तो मैं ही लेके जाता हूँ अभी आगे। नहीं आप तो बोले सोनाक्षी फोन लगी हुई है, फोन तो आप लेकर गए, जब लेकर आए तो अभी लिए ना फोन। वो क्या हो गया? पब्लिक को सब सही बात बताया करो ना। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये भी अपना वीडियो वीडियो अपलोड कर रही है, देख सकते हैं। और इधर क्या, इतना गाजर उजर रेत के रखी हो छील के। दूध ले लीजिए। डेढ़ लीटर दूध लाए थे? डेढ़ लीटर दूध लाए थे। आधा लीटर से मैंने दूध और चाय बना था, आधा लीटर का मैंने सबको प्रसाद बनाया। आधा लीटर बच्चा है, अभी चाय बना देंगे पी लेंगे, उसमें कम से कम डेढ़ लीटर दूध, एक पुआ खोआ चाहे। सब्जी? सब्जी कुछ मत लाइए, सब्जी है, फब्जी है, मटर छिलना है मेरा ब्रत है। कुछ खाओगी? नहीं कुछ खाएंगे नहीं, सोचे थोड़ा चाय बना लेते हैं, मूंगफली देखते हैं कि नहीं। मूंगफली शायद नहीं होगा। ला दूं बर्फी और भी खाओगी? नहीं यार, 500 मौज जो खाते वही खाना है। अब आज मेरा उद्यापन भी हो गया ना। अच्छा, अब नहीं रहोगी? अब नया फिर से उठाएंगे दूसरी बार, पता है। लेकिन मुझे इतना पता नहीं था ना, दूसरी बार जैसे उठाएंगे जैसे कि मैं क्या होता है, इसमें केवल मैं प्रसाद खा के रही रहती हूँ, तो दूसरी बार क्या होता है कि अब मतलब कि प्रसाद के साथ पराठा पूड़ी मतलब नहीं, जिससे रहा जाता है खाना भी खा सकता है। नहीं पता था लेकिन अब तो पता हो गया है, करेंगे। चलिए बने रहिए वीडियो। और सोनाक्षी को फोन मैं ही ला के दिया हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी पे ले जाता हूँ, काम करता हूँ अपना, फिर आता हूँ तो दे देता हूँ। फिर अभी थोड़ी मेरे तो फोन का स्पीकर सही एकदम बेकार, एक रत्ती आवाज नहीं आ रहा है यार। अब उसके लिए फ्री हो तब तो करवाओ। फ्री क्या, चलो एक दिन चलो कपड़ा कर लो, दे दो करेगा, एक दिन फोन ही लेकर रखे रहेगा ना। नहीं अभी डियो लेता नहीं, फिर नहीं चलेंगे, नेहरू प्लेस देखेंगे वहीं पे। नेहरू प्लेस में नहीं होगा ये, वहीं पर होगा सीपी, जहाँ रवि के आए थे। वरना जी रेस्ट करने के बाद, वीडियो अपलोड करने के बाद लग गई है फिर अपने काम पर। और यहाँ पे गाजर छील रहे हैं। गाजर यार बहुत ज्यादा लग रहा है यार, अबे ऋषभ भी जीत कर रहा। हाथ कट जाएगा ऋषभ, फिर पढ़ोगे कैसे? हाथ धुले हो आप? झूठ मत बोला करो, दिन में 100 बार हाथ धो ले। और कल इनकी फ्रेंड के यहाँ पूजा पाठ है। किस चीज का पूजा है जी? वो मन्नत मानी थी कि मेरे आदमी का बीमारी सही हो जाएगा तो पूर्णिमा के दिन कथा सुनेंगे ना, तो इनको बुलाया है कि आप भी पूजा में शामिल होइए। तो भाई पूजा के लिए इंसान तो मना नहीं कर सकता है, पूजा पाठ तो हम इनको बोल रहे ठीक है हम छोड़ देंगे पूजा में, हम अपना काम पे निकल जाएंगे। फिर बोल रहे कैसे आएंगे क्योंकि गुड़गांव से आने में बहुत जाम लग जाता है, इतना जाम लगता है पूछो मैं तो। ऑफिस से छुट्टी होता है उस टाइम, काफी ट्रैफिक रहता है। और यहाँ पे देख सकते इतना गाजर फिर वो बना रही है। एक लीटर दूध ले लेना अभी, आधा लीटर अभी एक लीटर हो गया, आधा लीटर थोड़ा बड़ा मैंने।
चलो और क्या लाना है? और एक पाव खोवा ले लेना बस। खोवा के लिए तो वहाँ जाना पड़ेगा बीकानेर पे। अरे ऑनलाइन मंगा लीजिए ना खोवा। तो मैं पहुँच गया हूँ बीकानेर पे और बीकानेर से ले लिया है मैंने खोवा और रसगुल्ला। चलते हैं अब घर। ओहो गाजर खलुए की खुशबू आ रही है, क्या बात है। देखो क्या क्या आइटम लाया हूँ मैं। देखो तो गुलाब जामुन इसी टाइम मिलता है क्या? हाँ ठंडी मिलता है। खुश हो गई? हम तो खाएंगे नहीं अभी तो। क्या 5 पीस लाए कल खा लेंगे। चलो ठीक है। तो गाजर खलुआ क्या डाली उसमें? और कुछ डाली? अभी कोई नहीं, अभी तो ये घी डाल के भपा रहे। अच्छा रेत के उसको धुली होगी ना? धुल के फिर रेत के भपा रहे हैं। अच्छा उसको लाल कर रही है। यहाँ गाजर खलुआ जो है गाजर को रेत के और उसको धुल के फिर यहाँ कढ़ाई में उसको लाल कर रही है। यार लग गया था यार। चलाती रहो ना, करो मत खराब। इसको निकाल देते है ना। हाँ लग गया, इसको नीचे से चलाता रहना चाहिए। कढ़ाई पतला है ना, ये लोहे की कढ़ाई बनाती है। अरे कड़िया हो जाता है। अच्छा और क्या? तो यहाँ पे खोवा ला दिया हूँ और उधर ला दिया हूँ गुलाब जामुन। ले लिया, देखो कैसे गया तुरंत देखने। ये क्या है? इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। तो अब इसमें चीनी डालने जा रहे हैं। चाय बनाते पीते हैं। हाँ यार ठंडी में तो चाय मन भाता है। तो जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ इनकी फ्रेंड ने भेजा है इडली सांभर। जब ये कुछ बनाती हो तो ये भेज देती हूँ, कुछ बनाती तो वो भेज देती हैं। अच्छा है, रहना चाहिए घर में। जैसे कि उनके यहाँ कुछ अच्छा बना है तो उन्होंने भेज दिया, और हमारे यहाँ कुछ अच्छा बना हुआ तो हम भी भेज देते हैं। उस दिन इन्होंने लिट्टी चोखा बनाया था तो भेज दिया था, और वो कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं आइटम और ये भेजती हैं। सही है उनका, देखी देखा ये भी अब आइटम वगैरह बनाने लगी हैं। बनाती थी लेकिन अब वो सोचती हैं कि वो बना के भेजती हैं तो हम भी बना के कुछ ना कुछ भेजें, अच्छा लगता है। तो चलिए हम खा लेते हैं इडली और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो एक बार फिर आपको लेके आ गए हैं वंदना जी के पास, और यहाँ पे देख सकते हैं ये लाल हो चुका है और उसमें चीनी इन्होंने ऐड कर दिया है। और चीनी डाल दिया ना। इसका थोड़ा पानी सोख जाए। तो आप सबको जितनी जरूरत हो अपने हिसाब से जितना बनाना होता है बनाओ। और यहाँ पर देखिए दूध उबाल ले, दूध भी डालेंगे लेकिन खोआ भी डालेंगे, और यहाँ पर केवल हम काजू डालेंगे क्योंकि ना किशमिश कोई खाता नहीं, वैसे काजू भी नहीं। अभी काजू को छोटा छोटा करेंगे। तो ये मैं खोआ लाया हूँ, आप लोग चीज मत समझ लेना क्योंकि चीज भी ऐसे ही लगता है देखने में। खोया है जो मैं इसको अच्छे से छोटे खोया है वही पाया है। उसको रेत रही हूँ। तो इसको रेत के फिर इसमें ऐड करेंगे। तो इधर हमारा ये पलक रहा है, खोल रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं अपने हिसाब से जो बोलना है आपको। तो हम लोगों की जो लैंग्वेज है अपने हिसाब से बोल रहे हैं। खाने में सोच रहे हैं बड़ा आसान है, मेहनत लगता है बहुत। खाने मेहनत लगता है तो बिना मेहनत के ही खाओगी। पानी है, सूखेगा, दूध भी ऐड करेंगे। तो ये सब आप जो देख रहे गीला गीला है, चीनी इन्होंने डाला है, बाकी पानी भी है वो छोड़ रहा है, ये सब सूखेगा अभी। इलायची पाउडर डाल दें कि ऐसे हम खुशबू? इलायची पाउडर नहीं, अच्छी खुशबू आएगी ना उससे। तो इलायची छोटी इलायची पाउडर है कि नहीं, क्योंकि हम गरम मसाला में हम खड़ा मसाला यूज नहीं करते हैं। अपने हिसाब से बना लो जैसे बनाती है। ज्यादा मटेरियल डाल दो ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, सिंपल बनाओ तो अच्छा लगता है। किट्टू लालच रही होगी। बोल रहे चलो मेरे साथ गोवा, तुम्हारा पूरा खर्चा उठाएंगे, एक लोग का बस केवल। तो चली जाओ, बच्चों को कौन देखेगा? क्या बच्चों को क्या, चलो हम देख लेंगे और क्या बोलेंगे। एक हफ्ता के लिए बच्चे भी उब जाएंगे तब। तो चलिए इसको रेत रही फिर मिलते थोड़ी देर बाद।
तो यहाँ पे इन्होंने दूध डाल दिया है, 1 लीटर दूध का, जो इतना हमने रख दिया चाय बनाओगे, क्योंकि खोआ भी ऐड करेंगे ना, खोआ के देखो अच्छे। अभी आपने देखा था पूरा भरा था, तो जितना दूध खाली दिख रहा है इन्होंने इसमें डाल दिया, लगभग 1 लीटर डाला होगा। फुल क्रीम घी, फुल क्रीम दूध है, और यहाँ काजू भी काट रही छोटे छोटे, क्योंकि बड़ा बड़ा रहता है मुँह में आ जाता है, अच्छा नहीं लगता। काजू मत डालो, अच्छा नहीं लगता, देखो इसीलिए काजू नहीं डाले। काजू इसको अलग से पकड़ा देना, नहीं ये पता नहीं चलेगा ना, ऐसे मत खाओ। आई लाइक दिस, दिलवा हो गए। तो दूध डालने के बाद इन्होंने थोड़ा सा पानी भी डाली हो गया, पानी नहीं डाले, पानी पिए, प्यास लगी थी। तो यहाँ पे गाजर बनके तैयार हो चुका है। जितना चीज मांगती है, मतलब जो चीज बाबा से मांगती है, जैसे ना जुबान पे दिल पे हमेशा, जैसे कि साक्षात कहते हैं ना कि कोई भक्त होता है भोलेनाथ का, लोग उस भक्ति को पाने के लिए तरसते हैं, वही चीज उनके अंदर है, जो अपने मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया। सोचो तो ये कब डालोगे खोआ? ये सूख जाएगा, डालेंगे ना। तो यहाँ दूध हमारा सब पानी पानी दूध सब सूख गया है, तो इसके अंदर खोआ ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे, अभी तो इतना सा डाल देते हैं। और काफी बेहतरीन बनाती है गाजर का हलवा। किट्टू बोल रही है कि हम आ रहे हैं खाने के लिए, हम कहे आ जाओ, देखो वीडियो कॉल पे हैं, और बोल रही पत्ता गोभी का सब्जी बनाओ, हम कहे आ जाओ। और यहाँ पे गाजर जो है उसको लाल कर लिया, काजू भी डाल दिया, दूध भी डाल दिया, चीनी भी डाल दिया, उसके बाद ऊपर से इन्होंने खोआ जो रहता था उसको इसमें मिक्स कर दिया है। और उसके बाद अब क्या होगा जी? अभी सूख जाएगा तो खोआ थोड़ा ऊपर डाल के रख देंगे, और क्या, फिर सबको देंगे खाने के लिए। तो बन के तैयार, एक टिफिन बचा के रखे रहेंगे जब हम सीहोर जाएंगे। हाँ। मतलब कि हमारे जितने छोटे मोटे भक्त हैं जो हमारे साथ जाएंगे, बड़े बड़े भक्त लोग भी जाएंगे, छोटे सबको टेस्ट कराएंगे, थोड़ा सा मुंह मीठा करा देंगे ना। बाबा कहते हैं ना, हम 50 रुपए का खिलाएंगे तो उसको 100 करोड़ों में करते हैं ना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फटाफट 1 लाख करिएगा, ताकि हम लोग अपनी छोटी सी पार्टी कर सके अपनी फैमिली के साथ। तो मिलते हैं बहुत जल्द न्यू ब्लॉग के साथ, सभी को करते हैं बाय।